नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। तो इस चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे ओशोज एंड टैरो के चौथे कार्ड के बारे में, जो कि द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी है। और जैसे कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं राइडर वेट के साथ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइडर वेट के चौथे कार्ड की, जो है द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। तो कार्ड ऑफ एम्प्रेस जो है अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। इट्स अ कार्ड ऑफ मदर अर्थ। इट गिव्स यू अ मैसेज दैट यू आर कनेक्टेड विद द मदर अर्थ। This card is talking about the female principle. It is talking about all the femininity which is inside of you. It is talking about your right brain. And why right brain? Because our right brain is our female side and our left brain is our masculine side. So, agar hum the empress ka card dekhte hain, to hum usko dekhte hain ki like she's sitting on a throne, very relaxed around the nature. Ye mother earth ka card hai. Aur hum aur hamari utpatti jo hai वो मदर अर्थ से हुई है। हम वो हमारी माँ है। तो माँ का नेचर कैसा है? माँ का नेचर जो है लविंग है, केयरिंग है। वो अपने बच्चे को वो सब कुछ देती है जो भी उसके लिए पॉसिबल है। सो इट्स अ प्योर फेमिनिन कार्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओशो ज़ेन टैरो कार्ड विच इज़ कॉल्ड द क्रिएटिविटी। तो सबसे पहले अगर हम कार्ड के पिक्चोरियल की बात करें, तो कार्ड के पिक्चोरियल में हम देख सकते हैं कि एक फिगर जो कि एक क्रिएटिव फोर्स के साथ जो है पोजेस्ड है, जो कि एक सिंपली एक इसका जो इंडिकेशन है, जो कि इसका मीनिंग है, वो ये कि जब भी आप कुछ क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट ही तभी कर पाते हैं जब आपको वो क्रिएटिव फोर्स जो है आपको जब पोजेस करती है, कि जब वो क्रिएटिव फोर्स आपको इंस्पायर करती है, पुश करती है टू क्रिएट। उससे पहले आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाते। सो इट्स लाइक यू आर इनटू अ रियल्म ऑफ क्रिएटिविटी एंड दैट इज़ व्हाई It looks like, you know, like she's possessed. Like this figure is possessed. Or, जब आप creativity करते हैं, it's like, it's a stage where you have like so much to give. It's like your expression. You want to express yourself. You want to give yourself. And how will you give yourself? आप अपने आप को जो है, किस तरह से देंगे? अब आप अपने आप को एक ही तरीका है. The best way is to do your creativity. That is the way you're going to share yourself with the world. And that is what this card is all about. Creativity. तो क्रिएटिविटी हैपन्स आउट ऑफ मिस्ट्री। अगर हम क्रिएटिविटी का प्रोसेस देखें, अगर एक ब्यूटीफुल पेंटिंग जो है एक अगर आप उसको क्रिएट कर देते हैं, या फिर एक अच्छा डांस जो है अगर आपसे बाहर आ जाता है, सो दैट सिंपली हैपन्स व्हेन यू आर इन टच विद द डिवाइन, व्हेन यू आर इन टच विद द डायमेंशन विच यू आर नॉट सो मच अवेयर ऑफ। मेरा कहने का मतलब है कि क्रिएटिविटी इज समथिंग विच गोज बियॉन्ड। It is not really something which you can do unless and until you are in connection with the divine. जब तक कि आपका connection उस divine के साथ नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं create कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी जो artist हैं, जो भी उन्होंने create करा है, वो कैसे create करा है? क्या उनकी वजह से create हुआ? नहीं, उन्होंने अपने आप को बीच में से मिटा दिया और उन्होंने उस creative force को allow करा खुद को use करने के लिए, ताकि वो creativity जो है वो form हो सके। तो जब भी कुछ क्रिएटिव आपके अंदर से आएगा, आप देखेंगे कि आपके थ्रू आया है, आपने क्रिएट नहीं किया है, और वो क्रिएट ही इसलिए हो पाया है क्योंकि आप बीच में आए नहीं। तो दुनिया में जितनी भी सुंदर आकृतियां हैं, जितनी भी सुंदर क्रिएटिविटी हैं, जो भी आपने देखी हैं, डांस हो, पेंटिंग हो, जो भी हो, दैट हैज ओनली हैपन व्हेन यू हैव नॉट कम इन बिटवीन, जब आप बीच में नहीं आए उसके। आप ईगो से क्रिएट करके देख लीजिए, आप कुछ बोल दीजिए कि मैं ऐसा क्रिएट करूँगा, आप देखेंगे उसमें कोई जान ही नहीं होगी। जब भी कुछ डीपर क्रिएटिविटी होगी, उसमें डिवाइन का हाथ होगा, उसमें बियॉन्ड का हाथ होगा, उसके बिना क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती। तो टेक्निक हो गई, एक्सपर्टीज हो गई, नॉलेज हो गई, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं, और ये चीज़ें जो हैं आपको क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ। जब तक कि उस आदमी के अंदर इंस्पिरेशन नहीं होगी, जब तक कि वो आदमी जो है उस डिवाइन के टच में नहीं होगा, तब तक जो भी उसने सीखा है, दैट विल ऑल बी वेस्ट। और वो क्रिएट भी कर लेगा तो उसके अंदर जान नहीं होगी। तो अगर कोई क्रिएटिविटी किसी को छूती है, वो छू ही इसलिए पाती है क्योंकि उसमें डिवाइन का टच है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है उसके लिए एक्सपर्टीज़ ना लें। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप डांस सीखना चाहते हैं, आप कहते हैं कि भाई डांस सीखने की क्या ज़रूरत है, क्रिएटिविटी तो ऊपर से आएगी, मुझे बस अलाउ करना है, दैट इज़ करेक्ट। बट इफ़ यू ऑल्सो अटैच द एक्सपर्टीज टू इट, इफ़ यू ऑल्सो अटैच द टेक्निक टू इट,
देन द डांस बिकम्स मोर ब्लेस्ड, उसके अंदर और जान आ जाती है। तो होना यही चाहिए कि जो आपका जो हेड है, इट शुड बी एबल टू सर्व योर हार्ट। और जब हेड जो है हार्ट को सर्व करने लग जाता है, देन थिंग्स आर ब्यूटिफुल, देन थिंग्स आर ब्लेस्ड। तो अगर हम क्रिएटिविटी की एनर्जी की बात करें, वो कुछ ऐसी एनर्जी है कि जिसको आप नहीं क्रिएट करते हैं। तो अगर हम क्रिएटिविटी की एनर्जी की बात करें, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसी से सब कुछ बाहर आया है, उसी से सब कुछ क्रिएट हुआ है। एंड दैट्स फॉर द मैजिक ऑफ क्रिएटिविटी इज। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। अब ज़रूरी नहीं कि आपको कोई जो है डांस ही करके दिखाना है, या फिर पेंटिंग ही करके दिखानी है, कोई स्पेसिफिक क्रिएटिविटी करके दिखानी है। नहीं, क्रिएटिविटी से ये मतलब है कि दैट यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। देर इज़ अ सॉन्ग विच इज़ सिटिंग इनसाइड ऑफ यू, विच यू नीड टू सिंग, विच यू नीड टू लिव, एंड दैट इज़ वाई यू हैव बीन गिवन दिस लाइफ। जब हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम उस सॉन्ग को जो है गा सकें, उस क्रिएटिव प्रोसेस जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, उस ऊर्जा जो एक क्रिएटिव फॉर्म देना चाहती है, दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू अलाउ इट टू हैपन। और जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव हो जाते हैं, उतना जो है आप भगवान के करीब हो जाते हैं, उतने आप गॉडली हो जाते हैं। तो ट्रू क्रिएटिविटी हैपन्स आउट ऑफ डिवाइन। जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ है, जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका जो है आपने खुद के साथ है, यू विल सी योरसेल्फ दैट यू विल बिकम वेरी क्रिएटिव। आप देखोगे आपसे ब्यूटीफुली जो है चीज़ें होने लगी। आप जो भी करेंगे उसके अंदर जो है एक क्रिएटिविटी आपको दिखेगी, और वो मैजिक आपको अपने साथ दिखेगा। और वो सिंपल सा मैजिक यही है कि आप उस डिवाइन के साथ जैसे ही टच में आते हैं, आप क्रिएटिव हो जाते हैं। इसलिए एवरी वन कैन बी क्रिएटिव। ज़रूरी नहीं कि आप जो है कुछ स्पेसिफिक एक्शन करके ही क्रिएटिव होंगे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, मेक श्योर दैट यू से वॉट यू वॉन्ट टू से, यू एक्सप्रेस वॉट यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस, एंड दिस इज द वे द क्रिएटिविटी विल स्टार्ट फ्लोइंग आउट ऑफ यू। ओशो का मैसेज भी यही है, वो भी यही कहते हैं कि जितने ज़्यादा जो है आप डिवाइन के साथ जुड़ जाते हैं, उतने ज़्यादा आप क्रिएटिव हो जाते हैं। और वो आगे ये भी बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव हो जाते हैं, उतने ज़्यादा आप गॉडली भी हो जाते हैं। सो आप दोनों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा आप डिवाइन हैं, उतने ज़्यादा आप क्रिएटिव हैं, और जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव हैं, उतने ज़्यादा आप डिवाइन हैं। दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं इकट्ठे हैं। और हमने इस कार्ड को कंपेयर करा है राइडर वेट के एम्प्रेस कार्ड के साथ, और एम्प्रेस भी अपने आप में जो है, शी इज़ अ लविंग मदर एंड शी इज़ अ फेमिनिन साइड एंड शी इज़ द वन हु इज़ वेरी क्रिएटिव। सारी की सारी जो क्रिएटिविटी है हमारे राइट ब्रेन से होती है, इसलिए क्रिएटिविटी कार्ड कहीं ना कहीं कंपैरिजन में राइडर वेट के वो ठीक बैठता है। राइडर वेट का अगर सिर्फ ऊपर का मीनिंग लें, सिर्फ एम्प्रेस के ऊपर का मीनिंग लेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। यू विल हैव टू गो डीपर इनटू इट टू फाइंड आउट। हालांकि राइडर वेट के जो कार्ड्स हैं, अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे, आप मेरे और वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर भी अगर आप डुबकी मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी बहुत स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं। उसका सारा प्रोसेस ही कुछ ऐसा है कि आप उसको जो है, आप उसके अंदर से हीरे जवाहरात निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें निकाल सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो। सो द क्रिएटिविटी कार्ड टॉक्स अबाउट बीइंग क्रिएटिव मोर एंड मोर एज मच एज पॉसिबल। और जब आपकी क्रिएटिविटी जो है एक क्लाइमेक्स को टच करती है, when in every action your creativity is flowing, जो भी आप करते हैं उसके अंदर एक क्रिएटिविटी है, then your life becomes godly। आपकी जो life है वो पूरी life हो जाती है एक God की तरह, and that means that you start living in God itself। तो God है या नहीं है ये तो नहीं पता, इतना ज़रूर पता है और इतना जो सबके एक्सपीरियंस में है कि that there is godliness। उस godliness को ज़रूर जिया जा सकता है, and being creative is one of those action which can connect you to God, which can make you divine, which can make you God। So card का जो गहरा message है जो इसमें आता है वो ये कि love whatever you do, जो भी आप करें वो प्रेम के नाते से करें, जो भी आप करें वो प्रेम के कारण करें। कुछ भी action जो भी आप कर रहे हैं,
उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा प्रेम डाल देंगे, उसके एक्शन, उसकी क्वालिटी सब कुछ चेंज हो जाएगा। और प्रेम डालने के कारण उस एक्शन के अंदर क्रिएटिविटी वेरी नेचुरली जो है वो एंटर कर जाती है। इसलिए जो गहरा मैसेज है क्रिएटिविटी का, जो क्रिएटिविटी कार्ड का, जो ओशो के ये जो ओशो ज़ेन टैरो कार्ड का मैसेज है, वो ये कि एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी, गेट इन टच विद द डिवाइन। आप अपने भीतर जो है गॉड से कम नहीं है। लाइक यू आर समवन हु कैन रीच दिस पेडेस्टल, यू कैन लिव अ लाइफ ऑफ गॉड इफ यू लाइक। एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू, सो ट्राई नॉट टू कंप्लेन अबाउट थिंग्स यू नो विच बॉदर्स यू। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी लाइफ में होती हैं जिसके लिए आप कंप्लेन करते हैं, अगर आपको बिगर पिक्चर दिख जाए कि वॉट यू आर, वॉट योर पोटेंशियल इज, शायद आप कभी भी कंप्लेन दोबारा नहीं करेंगे। सो दिस वॉज माई इंटरप्रिटेशन फॉर यू फॉर द कार्ड ऑफ द क्रिएटिविटी। आई होप यू लाइक दिस इंटरप्रिटेशन एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन एंड आई विश एवरी वन ऑफ यू टू बी क्रिएटिव एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।